थे, मैं आज सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, मेरे को भी ऐसे टॉर्चर कर रहे थे, मेरे शौहर सास ससुरे ये उन लोगों का घर है, हमारे ससुराल वालों का वहाँ एक घर है, उन लोगों का गाली गलौज करके मेरे को भी मार के मम्मी गन भगा दिए, तो मैं वो मजबूरी में होके मेरे को ये सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, मगर इन लोग ऐसे टॉर्चर करने की वजह से मैं आज नए पुल पे से कूद जाने वाली थी, तो वो वहाँ के पुलिस स्टेशन वाले मेरे को वहाँ भिजाए, तो आज मेरा ये बयान ऑलरेडी हो चुका है, तो उस वजह से तू कंप्लेन दीज कैसा, आज तेरे भाई का मर्डर करता हूँ बोल के मेरा नसीर खान जो देवर है उन्हें आया और समीर खान आए, आके ये कार फोड़ दिए, कार फोड़ के घर की गेट को मारे, घर में घुस गए थे, सीनों पे मारे औरतों को, अगर उस्मानिया हॉस्पिटल में लेके गए तो इन लोगों के कुछ निशाना विशाना भी मिलेंगे, और जो नसीर खान है उन्होंने बोल रहे हैं तेरा भाई को बुला, तेरे भाई को गले को चाकू मार के मर्डर कर देता हूँ तेरे भाई को, वो तो बेचारा ना नाम में है ना निशान में है ना कुछ नहीं, क्या गैर जरूरी है उसको बुलाए, देखो अगर इन लोगों को डर नहीं रहता तो इन लोगों के घरों को आप देखिए, इधर कुफल है उधर कुफल है, पूरे भाग के अहमद चाचा बोल के घर है उनके घर में जाके पूरे छुप के बैठे, ये नसीर खान इतना उचक रहा उन्हें अपने आप को रॉडी शीटर बोलता उन्हें, आज उसकी वजह से समीर खान और उन लगाओ पूरे घर वाले 40 लोग एक बच्चे के ऊपर हमला करे, पूरा मुंह में से खून ऐसा जा रहा बच्चे के, मेरा भाई है जो मेरे छोटा अजीम सुल्तान मेरे से छोटा है, उन्हें पूरा मुंह में से खून जा रहा था, चाकुआ निकाल लिए थे कोई दूसरे जने आके चाकू पकड़ लिए, अगर वो चाकुआ अगर नहीं पकड़ते थे तो आज उसके पेट के आर पार हो जाती थी चाकू, अब भाई को हमारे पुलिस स्टेशन वाले बयान लेने के वास्ते गए, नसीर समीर दोनों फरार हो गए, अहमद चाचा बोल के है उनके घर में है, इन लोग पूरे हमेशा ऐसी कर रहे, मेरे को भी ऐसी करने की वजह से मेरे को भी हमारे सास उलगा ऐसी मारे, नसीर भी ऐसी मारने की वजह से मैं यहाँ आई और मम्मी का आगे बिठा दिया मेरे को, उसी वजह से मैं आज तो आप लोगों को प्रूफ भी मिल गया है कि उलगा ऐसा कर रहे हैं बोल के, असदुद्दीन अवैसी साहब और जो समा कमिश्नर साहब से ये बहुत रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे फादर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ये जितने भी मेरे लॉस है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये दोबारा ये लड़कियों के ऊपर ऐसा जुल्म सितम कभी नहीं होना, ना अगर ऐसे लोग अगर दुनिया में रहेंगे तो ये हैरेसमेंट होगा, ये सुसाइड अटेम्प्ट होगा और ये घरों पर औरतों के ऊपर हमला होगा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है गुजारिश है कि हम लोग का ये अपील एक्सेप्ट कीजिए।